तो हे गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आज के वीडियो में कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग बताने वाला हूँ, वो भी पिकार्ट एप्लीकेशन से। अगर आपके पास पिकार्ट एप्लीकेशन नहीं होगा तो मैं वीडियो में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को मेरा लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, और आप एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, वरना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं अपने पिकार्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन, और यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पिकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे नेट वगैरह चालू रहना चाहिए, कुछ देर समय लेता है। अरे, हम लोग का पिकार्ट एप्लीकेशन चालू हो गया, और ओपन होने के बाद यहाँ पे हम अपना ले लेंगे फ़ोटो, बैकग्राउंड ले लेंगे यहाँ से। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हम लोग को ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। मॉडल को ऐड करने के बाद आप लोग थोड़ा साइज वगैरह मिला लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग को एडिट का बटन मिल जाएगा। तो हम लोग एडिट आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ पे साइज वगैरह आप उतने ही रहने देंगे जितना है, और जो भी पार्ट हम लोग का ज़रूरत का नहीं है उसको एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे सही से थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि सही से पार्ट चेंज कर दीजिएगा, बिल्कुल भी ना लगे कि फेक है। तो यहाँ पे हम लोग जूम करके थोड़ा थोड़ा अपना जो बचा हुआ है उसको भी चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग को हो चुका है फाइनली। तो यहाँ पे हम लोग सही कर देंगे, और यहाँ से हम लोग कुछ और फ़ोटो ऐड करना है जो मेरा PNG है। तो आप अपने फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं। तो यहाँ से गुलाब वाला PNG ले लेंगे, मेरा 3 PNG है, तीनों PNG हम लोग ले लेंगे। गुलाब वाले PNG को पहले मॉडल के हाथ पे पकड़ा देंगे, जो भी बाकी का पार्ट है उसको इरेज करना है। तो इरेज वाले आइकन पर क्लिक करके उसी तरह फिर से इरेज कर लेंगे, जैसे कि हम लोग को मॉडल के हाथ में है ऐसा लगे। तो इस वाले PNG को मॉडल को बैक में रखना है। तो आप लोग को इरेज फोटो का बगल में मिल रहा है आइकन, उस वाले आइकन पर करेंगे, और बीच वाले आइकन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक मॉडल के पीछे चला जाएगा, मॉडल के बैक में हो जाएगा वो। और यहाँ पे सही से सेट कर लेंगे, वैसे लगना चाहिए कि हाँ नीचे गिर रहा है। और जो मेरा तीसरा PNG है इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे। यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा जो पार्ट हम लोग का आ रहा है चेहरे वगैरह पर उसको इरेज कर लेंगे, ट्रेन वगैरह पर भी जो भी है सामने उसको इरेज कर लेंगे। और यहाँ पे सब कुछ हो चुका है कम्प्लीट हम लोग का। तो हम लोग यहीं से अपना गैलरी में इसका फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। तो हम लोग गैलरी में सेव कर लेंगे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।